The first love is different, unique, special, or the one in which even the things go wrong, we are happy to accept them. Uski feeling hi alag hoti hai. And how to forget that? It is the only one which introduces us to the world of pyar, ishq and the various risks which are to be taken to make it happen. Ab jab bhi aata hai na, to apne saath kai hisse lekar aata hai. और जाते जाते कई किस्से छोड़ जाते हैं. इनिशियली देयर इज लॉट टू कन्फेस, लॉट टू पुट इनटू वर्ड्स, बट दैट डैम हाउ एवरी टाइम्स कम इन बिटवीन एंड रूइन दोस फीलिंग्स. लेकिन अदरवाइज लाइफ किसी स्टारलेस के सीरियल से कम नहीं होती, जो बेस तो एक प्योर रोमांटिक हैपनिंग लव स्टोरी में होता है, लेकिन उसमें दिखाए गए मुख्य किरदार आपस में कभी साथ दिखते ही नहीं. लेकिन जब फीलिंग्स का बोझ उस हाउ की परवाह को छोड़कर बढ़ने लगता है, देन कम्स ट्विस्ट इन द स्टोरी एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट द मुख्य किरदार हु आर इन द लव कंप्लीटली. लव बिगिंस, कन्फेशंस टर्न इनटू कॉन्वर्सेशंस एंड द हैप्पीली एवर आफ्टर इज अ न्यू रियलाइजेशन. गलियों से लेकर कॉफी शॉप्स तक, हाथ मिलाने से लेकर हाथ पकड़ने तक, फोन कॉल से लेकर लॉन्ग मैसेजेस तक, और लव कार्ड से लेकर सॉरी कार्ड्स तक, फ्रॉम एक्सचेंजिंग बुक्स टू रीडिंग ईच पेज टुगेदर, फ्रॉम चैंटिंग द नेम्स इन द स्लीप टू वेकिंग फ्रॉम ईच अदर फोन कॉल्स, एंड फ्रॉम प्रेजिंग ईच अदर ऑल द टाइम टू एक्सेप्टिंग ईच अदर फ्लॉज. एवरी फीलिंग इज अ ब्यूटी. And the feeling stays in the heart for whole the life. The emotions, the love, the various things which are felt in the first love can never be felt ever. And trust me, the first love, it lasts forever.